सारियां नूं तुसीं देख रहे हो पी बी सी ते मैं संदीप सिंह। तरीक अज हो गई है जी 14 अगस्त, जाने के एक दिन रह गया जदों भारत देश आजाद होया सी, पाकिस्तान आजाद होया सी। पर उस समय दे विच आजादी ते मिली, होर देश भी बहुत आजाद हुए, यूरोपियन कंट्रियां आजाद होईयां, पर भारत नूं जदों आजादी मिली पाकिस्तान तों वख हो गया, गोरे छड के इधर नूं आ गए। उहदे पिछे जिहड़ा कतलेआम होया कि वह आजादी मिली जां बर्बादी हुई, कि किन्ने हजारां लोग घरों बेघर हो गए, पाकिस्तान वाले जिहड़े रहिंदे सी इधर नूं आ गए, इधर वाले जिहड़े पाकिस्तान नूं जाणा मूव करना शुरू कीता। लोकां दे विच इक नफरत की भावना जिहड़ी वह कुछ घंटिया दे विच प्यार तों नफरत दे विच तब्दील हो गई। की कारण होया, किहड़ी व्यौंतबंदी सरकारां वल्लों बनाई गई कि एक दूजे दे असीं जान दे वैरी बन गए। 15 अगस्त नूं बड़ी धूमधाम नाल आजादी वजों मनाया जांदा, ते उहनां लोकां नूं पुछिया जाणीए जिन्हां लोकां दे इस आजादी वाले दिन परिवार खेरू खेरू हो गए, धीआं भैणां दीआं इज्जतां लुट्टियां गईआं, बर्बाद हो गईआं, ते इत्थों तक मापिआं नूं अपने धीआं जीउंदे जी मारनियां पईआं। क्योंकि अज जे आपां गल करिए, फिल्मां बहुत दिखाईआं जांदीआं ने, फिल्मां बहुत बनाईआं जांदीआं ने भारत ते पाकिस्तान दी वंड नूं लै के कि असीं इदां कीता, उहनां ने साडे नाल इदां कीता, पर इत्थे इक गल सोचण वाली इह आ कि फिल्मां दे पिछे रियलिटी की आ, सच्चाई की आ। पैसे की खातर, फेम पालन की खातर फिल्मां बनाईआं जांदीआं ने, ते तुहाडे सामणे आ एक फिल्म अज तो कुछ समा पहला बनी सी, 11 साल पहला शायद, गदर, ते एक हुण फिल्म गदर 2 बना दिती गई आ। सेम टू सेम उही स्टोरी विच इहदे भरी गई आ कि भारतीआं वल्लों पाकिस्तानीआं नाल नफरत, ते पाकिस्तान दे भाईचारे वल्लों भारतीआं दे नाल नफरत। पर इत्थे एक गल इह वाजिब नहीं लगदी, फिल्मां दे विच दिखाउणा कुछ, फिर तुसीं उत्थे जा के शूटिंग करदे हो, वह तुहानूं बणदा सरदा माण सत्कार दिंदे ने। जदों तुसीं उत्थे जांदे हो शूटिंग दे लई, इत्थों पूरी टीम जांदी आ, उत्थों बणदा सर तुहानूं पूरा माण सत्कार दिंदा जांदा, तो उत्थे तुहानूं गौरमेंट तुहानूं परमिशन दिंदी आ, तुहानूं अलाउ करदी आ कि तुसीं आ के इत्थे तुहाडे नाल कॉम्प्रोमाइज़ करके तुहानूं सारा कुछ उत्थे जो तुहानूं बणदे चाहिए चीज़ा चाहिए वह प्रोवाइड कराई जाए, उ सीन फलवाए जाते हैं। पर उन्होंने फिल्मों के दिखाया की जाता, दिखाया जाता एक दूजे के नाल नफरत, इहदा प्रभाव आम लोगों के उत्ते की पैंदा। हुण यह फिल्म रिलीज़ कर दिती गई, यह फ्री फिल्म रिलीज़ करन तो बॉक्स ऑफिस से यह फिल्म जिहड़ी हिट जा रही है, हिट क्यों जा रही है, ये कल नूं जिहड़ी आ 15 अगस्त आ, ते लोग कहिंदे सानूं आज़ादी मिली सी। इंग्लैंड दे विच भी लोग काफ़ी दिनों तो जिहड़े आ वो एक इस फिल्म की वेट कर रहे हैं, उड़ीक दे विच ने, जाने के सोल्ड आउट सारे शो चल रहे हैं। तो एक पासे असीं कहिंदे आ असीं इन्हां लोगों का विरोध करना, विरोध क्यों करना, क्योंकि इस जे इस फिल्म दे विच जिहड़ा मेन किरदार आ वो हैगा आ ये देओल परिवार का, सनी देओल, तो जो कि इसलिए मौजूदा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट भी ने, गुरदासपुर तो पंजाब दे ने, ते पंजाबियों दे नाल जिहड़ा धोखा किया गया, जो पिट्ठ विच छुरा मारिया गया, वह कहण दा भाव यह आ कि जदों किसानी मोर्चा चलदा सीगा, दीप सिद्धू, कौन नहीं जाणदा उस नौजवान नूं, दीप सिद्धू दे नाल इन्नी नेड़ता होण दे बावजूद भी वोटां दे विच जिन्नी इन्हां दे इलैक्शन दे विच दीप सिद्धू ने देओल परिवार का, सनी देओल का साथ दिता, वो जगों ओला निगा, सारी दुनिया उस देख रही सी कि घर घर जाके इस सनी दे देओल दे लई जिहड़ा उपर चोण प्रचार किया गया, तो इहनूं जिताउण दे लई एक बहुत ही वड्डा हथ दीप सिद्धू का, आपां कह सकते हैं कि दीप सिद्धू का हथ सीगा। पर जे जदों किसानी मोर्चा चलदा आ, दीप सिद्धू की विचारधारा बदलती आ, तो उदों
बीजेपी सांसद होण करके सनी देओल दे आपस विच मतभेद दा हो जाना कि साडा इस नौजवान दे नाल कोई लेना देना नहीं, इस नौजवान दे नाल कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि किसानी मोर्चा लग चुकिया सी, पंजाब अपने हक्कां दी गल करदा सी, किसान अपने हक्कां दी गल करदे सन, जिमीदार अपने हक्कां दी गल करदे सन कि साडी पैदा हुई फसल दा सानू भा मिलना चाहिए, फसल पैदा असी करिए ते मुल तय तुसी उहदा करो, ते जिहड़ा तुसी मुल तय करदे हो वह सानू मंजूर नहीं क्योंकि उहदे विच साडा खर्चा पूरा नहीं हुंदा। हमेशा किसानी दे नाल जिमीदार दे नाल धक्का हुंदा आया, ये तुहाडे सामने आ। उस तों बाद इस दा काफ़ी विरोध भी होया, तुहानू याद होना कि सनी देओल दा काफ़ी विरोध होया उहनां दिनां दे विच, ते लापता होण दे पोस्टर भी गुरदासपुर दे विच लाए गए कि ये किसी होर नौजवान नूं उत्थे जिम्मेवारी दे के आ गया कि मेरे तो हुण टाइम नहीं, मैं तो भाई फिल्मां बनाउणियां ने, ते तुसीं जिहड़ा भी काम करो एरिए दा कराउणा होवे, इलाके दा कराउणा होवे, ते इहनूं तुसीं दस सकदे हो, ये मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकदा। पर उत्थे तुहानूं इक याद होना कि एक किसी लीडर नूं एक नवी गड्डी चाहिए सी, नवी गड्डी सीगी वह बुकिंग दे उत्ते, वह ब्लैक चल रही सी, वह मिलती नहीं सी हुंदी, ते एक इहनां वल्लों इस मैंबर ऑफ पार्लीमेंट वल्लों चिट्ठी लिख के वह कंपनी नूं भेजी गई कि इहनां नूं वह गड्डी है जिहड़ी वह दे दित्ती जाए, शायद उन्होंने गड्डी वह दाज विच देनी सीगी। मतलब एक इहो जिहड़े हालात बण सन, ये लीडरां दे तौर ते तां इहनां दी हैल्प हो सकदी आ, पर पंजाब दे लोक वाकई जिन्हां नूं हैल्प दी लोड़ सी उस मोर्चे दे विच जदों खड़ना चाहीदा सी, जदों पंजाब दे लोकां ने वोटां पा के एड्डी वड्डी गिणती दे विच तां इहनां नूं जिहड़ा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बनाया, तां उदों जिहड़े कुछ सुर होर सन, उस तों बाद जिहड़े किसानी मोर्चा लगदा उस तों जिहड़े सुर उह होर हुंदे गए, ते हुण जिहड़े हालात जिसले बणे होए ने, ते बहुत सारे पंजाबी भाईचारे ने कहा सी, पंजाब दे लोकां ने कहा सी कि असीं इस फिल्म दा विरोध करांगे, विरोध करन दे पिछे कारण तां इह सीगा कि पंजाब तों वोटां पा के तुहानूं जिथे बिठाया गया तुसीं पंजाब दे लोकां दी सार नहीं लई, पंजाब दे नाल धोखा कीता, पंजाबियां दे पिट दे विच छुरा मारन दा कारण इह सी कि जदों पंजाब दे लोकां दे नाल खड़न दा मौका सीगा तां तुसीं जाके बीजेपी दी झोली दे विच बैठ गए सी, क्योंकि बैठ गए सी जाणी कि बीजेपी दे सांसद सीगे, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बीजेपी वल्लों जिते सीगे, तां उत्थे जाके बहिणा ही सीगा, होर तां हल कोई नहीं सी। पर इह गल सानू सोचनी ते विचारनी पहलां चाहीदी सी, हुण भी समा दूर नहीं, होर 7-8 महीने बाकी रह गया, इलैक्शनां फिर दुबारा उस इलाके विच भी होणियां ने, वख वख थावां ते होणियां ने, उम्मीदवार असीं किहो जिहे चुणने आ ये हुण तुहाडे उत्ते डिपेंड करदा, उहनां लोकां उत्ते डिपेंड करदा जिन्हां ने पंजाब ले कोई सुरक्षा दा राह लभणा आ, पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउणा आ, पंजाब नूं चों बेरोज़गारी खत्म करनी आ, ये हुण तुहाडे उत्ते डिपेंड करदा। क्योंकि देखिया जाए मैंबर ऑफ पार्लीमेंट 13 चुने जाने ने पंजाब दे विच्चों, उहनां दी किन्नी क अहमियत आ इसले सेंटर दे विच, पर किते ना किते देखिया जाए जे एक भी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होवे कम से कम पंजाब की आवाज़ तो घट्टो घट उत्थे जाके उठाऊगा, पंजाब दे मुद्दे का अक्सर घट तो घट उत्थे गूंजणगे, ये ना असीं देखिए कि सेंटर नूं फर्क पैना जां नहीं पैना, ठीक है। बाकी जिहड़े भारत के वख वख सूबे ने 500 कुछ नूं जिहड़ियां वध 47-48 जिहड़ियां उह सीटां चाहीदियां ने, 17-13 सीटां दा फर्क भावें पैंदा जां नहीं पैंदा, पर गल इह सोचण वाली कि साडी पंजाब दी आवाज़ तां उत्थे सेंटर दे विच गूंजदी है जाके, पर आवाज़ नूं जिहड़ा गुंजाउण वाला उह बंदा किहो जिहा होणा चाहीदा। जे आपां सरदार सिमरनजीत सिंह मान उहनां दी गल कर लईए, ते उहनां ने पिछले समें दे विच आ जिहड़े हुण आ जिहड़ियां मौतां होईयां उहनां दी गल जाके सेंटर दे विच कीती, तो सरकारां नूं पता लग्या, आर्टिकल छपे, दुनिया दे विच इह खबर पहुंची, पर कोई सिगा तां उत्थे पंजाब दे विच खबर पहुंची। जे असीं गुंगे इहो जिहे चुण के उत्थे मूहरे भेज देणे जिन्हां ने कि बोलणा ही नहीं, जिद्दां दे आ हुण जिहड़ा फिल्मी एक्टर सिगा तुसीं चुण के भेजिया उत्थे, इहदियां हाजरियां कढ के देख लो किन्नियां, ते पंजाब दे मुद्दियां ते इन्ने किन्नी गल कीती है जाके। हुण जे मौका आ ते इह मौके नूं सांभ लैणा चाहीदा, जिस हिसाब नाल पंजाब दे हालात पंजाब दी तस्वीर बिगड़दी हुई नज़र आ रही आ, ते उह दिन दूर नहीं जिद्दण साडी होंद नूं खतरा हो जाणा, खतरा तां होंद नूं हो गया आ, इहदे विच कोई दो रावां नहीं गिया, क्योंकि होंद नूं खतरा इह हो गया आ कि इसले
40 तो 45 साल के उपर वाले ही बंदे जिहड़े पंजाब दे विच लभदे ने कि नौजवानी कित्थे चल गई, नौजवानी बाहर नूं रुख कर रही आ जां नौजवानी नशे दे नाल मर रही आ, ते जां जिहड़ा अपने कोई हक्कां दी गल करदा उहदे उत्ते जिहड़ियां युआपा ते NSA दीआं धारा ला के उह जिहड़ियां वख वख भारत दे सूबिआं दीआं जेलां दे विच सिट दित्ता जांदा, जो तुहाडे सामणे हालात होए ने। हुण आपां गल करिए आजादी दा, लोकां ने मना ली, बड़ी धूमधाम नाल मना रहे ने, बड़े ढोल बंड वज रहे ने, बन जिहड़ियां मठियाईयां वंडियां जा रहीआं ने, मठियाईयां वंडियां जा रहीआं ने, जिथे अटारी वाघा बार्डर दे उत्ते रोज़ परेड हुंदी आ, पाकिस्तान वाले पासे परेड हुंदी आ, इंडिया वाले पासे परेड हुंदी आ, एक दूजे नूं उच्चियां तो उच्चियां लत्तां चक चक के सलूट मारी जांदे ने। पाकिस्तान वाले जिहड़े पासे दे जिहड़े रेंजर ने फौजी ने ओह वी लत्तां चक के सलूट मारी जांदे ने एक दूजे नूं, आकड़ आकड़ के दसते ने भी आ मेरी धरती आ, तो दूसरा कहिंदा वो मेरी धरती आ, तू इस धरती दे उत्ते आके दिखा। हुण तुहानूं मैं एक वीडियो दिखाउणा, ये वीडियो दे विच देखियो कि असीं इस काम जो कोई रह गए, देखते हैं इस वीडियो नूं। देखिया कि दो पासियां तो एक पासे थोड़ी जी ग्रे रंग की जमीन आ गब्बे, एक लाइन बॉर्डर दी आ, तो दूसरे पासे जिहड़ी आ हल्की जिहड़ी आ लाल लालगी जिहदे विच उह उधर दूसरे पासे भारतीय फौज खड़ी आ, तो इधरले पासे पाकिस्तान की फौज खड़ी है ना, तो इधरले पासे खड़े एक दूजे नूं लत्तां उच्चियां तो चक चक के मतलब पग दे उत्तों दी जिहड़ी आ लत्त करके एक दूजे नूं असीं सलूट मार रहे हां, खिच खिच के दस रहे हां कि साडी पावर किन्नी क्या। हुण तो देखिया जावे वी पावर इदां दिखाली जांदी आ, उधर भी मुछा नूं ताप देई जांदे पाकिस्तान वाले पासे भाईचारे दे लोक, ते दूसरे पासे भी भाईचारे दे लोक जिहड़े अपने भारती पासे उधर वह भी मुछा नूं ताप देई जांदे, एक दूजे नूं आकड़ आड़ के इदां खड़े होकर दस दस ने, पर इत्थे तक ही साडी सोच रह गई आ। जे तो हुण इधरलों पासे जे वधिया सलूट वजदा तो पाकिस्तान वाले जिहड़े भाईचारे दे लोक है वह लाला लाला कर देने वाह वी वाह चक्कते चक्कते चक्कते, जो दूसरे पासों सलूट वजदा तो वह जिहड़ा वह अपने पंजाबी जिहड़े आ अपने उत्थे जिहड़ा ये जिहड़ा परेड देखण आउंदे वह लाला लाला कर देंदे चक लो चक लो चक लो चक लो। हुण छे रेंजर उधर खड़े ने, जब छे रेंजर पाकिस्तान वाले पासे खड़े ने, तो सत्तवां जिहड़ा वह अपने करतब दिखा रहा, उहदे करतब नूं देखण नूं लोकां दी भीड़ जिहड़ी उमड़ी हुई आ, ते हुण असीं एक दूजे नूं दिखा रहे हां भी असीं तुहाडे नालों तकड़े हां, ते उह कहिंदे तुसीं असीं तुहाडे नालों तकड़े हां, उह रेंजर कहिंदा मैं जिहड़ा पावरफुल हां, ते दूसरे पासे वाला कहिंदा मैं ज़्यादा पावरफुल हां। लोग एक मतलब अपना टाइम पास करने के लिए उत्थे वधिया जिहड़ा टाइम पास घंटे की जिहड़ी परेड चलती है वह वधिया जिहड़ा टाइम पास हो जाता, ये लोग उत्थे देखण जांदे ने। इत्थों सानू सिक्ख्या की मिलती है, नफरत भरदी ना दिलां दे विच, नफरत क्यों भरदी आ, इह जे प्यार दे नाल गलबात की जाए, प्यार दे नाल जिहड़ी सैरामनी ये लोगों नू दिखाई जाए, किसी होर तरीके दे नाल होर कोई ढंग अपनाया जाए, इत्थों जाके साडे दिलां दे विच जिहड़े साडे बच्चे उत्थे जाके देखदे ने ये नफरत एक पैदा हुंदी, एक नफरत की भावना ताडे दिलां दे विच भरदी आ कि जिहड़ी तुहानूं चेता कराउंदी आ 15 अगस्त 14 15 अगस्त, अज 14 अगस्त है कल 15, इस 15 अगस्त 1947 नूं तुसीं ला लो हुण पिछे किन्ने साल पिछे तुसीं चले जाओगे, तो उदों जिहड़ी वंड दे वेले मार वढ हुई, तुहानूं पहलां वी गल दस के हटिया कि अपने धियां दा कतल करना पिया
जाना लैनिया पईयां इज्जत दी खातर, क्योंकि माहौल ही इहो जिहा बन चुकिया सी। ते आपां रोज़ जा के उत्थे सैरामनी नूं अटेंड करदे आ, अपने बच्चियां नूं भी लैके जाने आ, बजुर्गां नूं भी लैके जाने आ, उत्थों पर सिखण नूं सानूं की मिलदा? एक नफरत साडे सानूं सिखण नूं मिलदी आ, देखण नूं मिलदी आ आपस विच, ते जां सानूं उत्थे साडे नाल प्यार दी भावना सानूं मिलदी आ। इत्थों एक तुसीं एक मापतोल तुसीं करके देख लियो कि सानूं उत्थे सिखण नूं की मिलिया। जे साडा बच्चा कोई गया उन्हें क्या जाके कि सीखा भी पाकिस्तानी साढ़े नाल नफरत करते हैं, जे पाकिस्तान वाले पासे है तो वह कहना भारतीय तो साढ़े नाल नफरत करते हैं, असी उन्हां नाल तकड़े हाँ, मन दे विच वैर विरोधता की भावना वो जिहड़ी उत्थों शुरू हो जाती है। यह सेम स्टोरी बनती है जाके फिल्मों के विच। हुण तुसीं पुरानी गदर कढ लो ते हुण दी गदर तुसीं कढ लो ते तुहानूं सिखण नूं उहदे विचों की मिलिया। भारत वालों उधर जाते ने नफरत की शिकार होंगे ने, तो अपना जिद पका के असं इधर आ जाते, असं दस दें कि साडा भारत बहुत महान है, जिंदाबाद, तो पाकिस्तान मुरदाबाद। पाकिस्तान वाले कहें पाकिस्तान जिंदाबाद तो हिंदुस्तान मुरदाबाद। इस इतों तक जी साड़ी सीमित जोड़ा ये साड़ी मानसिकता इतने तक जी गिर चुकी है। तो दूसरे पासे असी जाके जो भाई पाकिस्तान के भाईचारे के लोग इधर आके फिल्म करते हैं, तो हुण तुसीं देखिया होना कि किन्नियां पंजाबी फिल्मों के विच जां किन्ने जिहड़े इहो जिहे कमेडी शो बने ने उहनां दे विच भाई पाकिस्तान पंजाबी भाईचारे लैंदे, पंजाब के जिहड़े भाईचारे के एक्टर ने अपनी इत्थे एक्टिंग का कमाल करदे ने, तो उहनूं खूब तरीके दे नाल सहलाया जांदा। तो किन्नियां पंजाबी फिल्मां इस मुद्दे उत्ते बणियां ने, तो पंजाब जिहंदे पंजाब के जिहड़े आ उह जिहड़े आ अदाकार ने उहनां नूं फिल्मों के विच लिया, तो दोनों भाईचारिया ने एक एड्डी वड्डी उस चीज़ नूं अहमियत दित्ती कि शुक्रिया भारत दे पंजाबी, ते पंजाबी लहिंदे पंजाब दे चढ़दे पंजाब दे, कम से कम कट्ठे होकर एक प्लेटफार्म ते आके फिल्मां तां बनाउण लगे, कोई सिक्ख्या तां सानूं देखण नूं मिली। चाहे वह हासरस कमेडी ढंग दीआं फिल्मां ने, चाहे कमेडी शो भारत दे विच हुंदे ने, उहनां विच पंजाब जिहड़े लहिंदे पंजाब दे उत्थे जिहड़े पाकिस्तान दे ने उह उत्थे आके अपना पार्टीसिपेट करदे ने, पर किते ना किते एक भाईवालता दा संदेश तां सानूं मिलदा आ। ये हुण गल्लां सोचण ते विचारन वालियां ने, जदों साडी ननकाणा साहब यात्रा इत्थों जांदी आ, इंग्लैंड तों जांदी आ, जां भारत तों जां पंजाब तों जिहड़े करतारपुर साहब दे दर्शन दजारे करन जांदे ने, हुण उहनां लोकां नूं पुछ के तुसीं देखो कि तुहानूं किन्ना क प्यार मिलदा। फुल्लां दी वर्खा इत्थों गिआं दी उत्थे लोकां उत्ते कीती जांदी आ, जिहड़ियां संगतां इत्थों ननकाणा साहब दे दर्शन करन जांदियां ने। पर इहो जिहियां फिल्मां क्यों कढ़ियां जांदियां ने, की कारण ने, इहनां उत्ते सेंसर बोर्ड की कैंची क्यों नहीं चलती? इह लीडरां दे जिहड़े आपस विच पाए हुए सियापे ने उह तुहाडे सामणे ने कि अज असीं जे इलैक्शन किहड़े मुद्दे ते बाद च लड़नी आ, जे कोई मुद्दा ही कोई ना रहा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा ही ना रहा, तो असीं लोगों नूं दसांगे कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई, पुलवामा हमला होया, भारत वालों सर्जिकल स्ट्राइक करके उत्थे जिहड़े बंब सिटे गए उह किस एरिए दे विच सिटे गए, कित्थे सिटे गए, किन्ने लोगों की उत्थे मौत होई जां नहीं होई, की कारण उहदा बणिया। बस एक जिहड़ा लोगों नूं एक फेर बदल जिहा दे दित्ता, असी आ भी कर दिता, असी आ भी कर दिता, पूरी दुनिया के न्यूज़ चल गई आ, तो उधर मोदी साहब जिहड़ा बड़े भारी मत जिहड़े आ बहुमत दे नाल इलैक्शन जित के अगले पांच सालों के लिए फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। पर उन्हां लोगों नूं पुछियो कि जिहड़े 15 अगस्त नूं जिन्हां दे परिवारां दे उत्ते इह जुल्म होया, जिन्हां दे नाल लुट खोह होई, जिन्हां दे परिवारक मैंबर इस दुनिया तो चले गए, जिन्हां दीआं धीआं दीआं इज्जतां लुटियां गईआं, कि उहनां नूं आजादी मिली जां बर्बादी मिली? हुण इत्थे गल मुकदी आ, इत्थे गल सोचण वाली आ कि अज असीं फिर इह जिहड़ा बॉर्डर दे उत्ते असीं भारत वालों अटारी बॉर्डर दे उत्ते वाघा बॉर्डर दे ते दूसरे पाकिस्तान वाले पासों एक दूजे नूं मिठाई भेंट की जाती है, एक दूजे नूं मिठाई दी जाती है, एक दूजे का मूँह मिठा कराया। आजादी दिवस, आजादी दिवस मनाया किहदे लई जांदा? गोरे तो गोरिया ने तो तुहानूं आजादी दे के तो इत्थे नूं वापस इत्थे आ गए, अपने वतन नूं वापस आ गए, तुहानूं कहा तुसीं लड़ी जाओ तो मरी जाओ, बॉर्डर बना दिते गए जिथे एक दूजे के साह दे विच साह वसदा सीगा, वह एक नफरत दे विच उत्थे बदल गया कुछ घंटियां दे विच। गोरे अपनी चाल खेल दे विच कामयाब हो गए, तो सानू
मुसलमान ते सिख भाईचारे ते हिंदू भाईचारे नूं आपस विच एक दूजे दे वैरी बना दिता गया। ते अज बॉर्डर दे उत्ते फिर कल नूं जिहड़ियां अज रात नूं जां अज जिहड़ियां मिठाइयां एक दूजे दे मूँह मिठे कराए जाणे ने, नित उत्थे परेड हुंदी आ, नित उत्थे जिहड़ा समारोह हुंदा आ, सैरेमनी हुंदी आ, एक दूजे नूं इह दिखाया जांदा, उधरले लोकां नूं इह दिखाया जांदा कि असीं पावरफुल हां, तो दूसरियां नूं दिखाया जांदा असीं पावरफुल हां। पर अज दे दिन एक दिन 15 अगस्त नूं जिहड़ा उत्थे एक दूजे दा मूँह भी मिठा कराया जांदा। इह आ जिहड़े हालात इस वेले बणे होए ने। तुसीं इत्थों अंदाजा ला लवो अज असीं किधरले पासे नूं तुरे जांदे ने। अज बच्चियां नूं सिख्या असीं की देणी आ, क्योंकि अज जे बच्चा जम्मदा आ ना, बच्चे का शुरू तो जो नींव मजबूती की आप गल करते हैं, बच्चे की नींह कि मजबूत होनी है, बच्चा जो शुरू के सीखता है उस दे आधार पर वह अपने आप जो दिमाग उधर जो वाधा 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 चलिया जाता। तुसी छोटे बच्चे पढ़ाई का तो बोझ पा दो तो बंदा बच्चा जो पढ़ाई वालों जो ख्याल हो जाता, उन्होंने नचण गाने वाले पासे ला दो तो बच्चा जो नचण गाने लग पैंदा, जो या फिर जिहड़े घर के हालात होंदे ने उन्हां हालातों के अनुसार बच्चा टल जाता। घर दे विच जदों पहले समय दे विच घर दे विच हत्थीं जिहड़ी कार करदे हुंदे सी, हत्थीं कम कार करदे हुंदे, जे आपां लकड़ी तरखाण भाईचारे की गल कर दिए तो घरां दे विच ओह बच्चे शो देखदे हुंदे सी, मेरा फादर की करदा, ओह घर दे उस हिसाब नाल जाणा तो उत्थों बंदा ऑटोमैटिकली उधर नूं सिखणा, उधर नूं रुझान हो जाणा शुरू हो जांदा सी। पर हुण इह जिहड़े हत्थीं कम कीते गए इह फैक्टरियां दे विच तब्दील हो गए, वड्डियां वड्डियां फैक्टरियां अज देखिया जावे जुत्तियां गंढण दा काम, घर दे विच लोहार दा काम, तरखाण दा काम, राज मिस्त्री दा काम, इह अज छपन हो चुके ने, दुनिया तो अलोप हो चुके ने, क्योंकि इन्हां दीआं जगह जिहड़ियां उह वड्डियां वड्डियां फैक्टरियां ने लै लईआं। ते अज बच्चे देखण किधर नूं, बच्चा जो देखदा उह सिखदा, सिखदा जे तो असीं इस सैरामनी उत्ते लैके जाने तो बच्चे ने जो उत्थे तुसीं सैरामनी एक दो घंटे की इंजॉय की, इंजॉय करके घर नूं आ गया तो बच्चे नूं उत्थे सिख्या कि एक दूजे दे नाल नफरत प्यार तो नहीं सिख्या, ठीक है, ये असीं देख लिया भाई इधर पाकिस्तान वाले भाईचारे ने पाकिस्तान का झंडा चढ़ा दिता, तो हिंदुस्तान वाले पासे जिहड़ा वो हिंदुस्तान का झंडा चढ़ा दिता, कि उत्थे असीं देखिया कि उन्होंने भी सलूट एक दूजे नूं मारे, लत्तां चक के दहाड़ियां, तो दूसरे ने भी इधरों लत्तां चढ़ियां, उस सब तो उच्चे सलूट मार के दिखाया, एक दूजे को नफरत की भावना देखिया, जो जिदा तुम ये परेड के देख ही लिया, मुछा तां नूं कीतियां भी साडी सरदारी आ, दूजे पासे वाले कहिंदे सरदारी, यही बच्चा जदों वड्डा हुंदा उन्हें कहना भी यही जिहड़ी साडी दिल दे विच साडे होणी आ भी असीं तकड़े हां, तो दूसरे पासे वाले कहना असीं तकड़े हां। पर अज सानूं बच्चियां नूं सिखालना की चाहिए, एक दूजे नाल प्यार, प्यार की भावना, कि वह लीडर तो बिना दस्या तो एक दूजे के लीडर के जोड़े प्रधानमंत्री साडा बिना दस्य तो दूसरे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उत्ते पहुँच जाता, सरप्राइज दे दिए जाते हैं, तो दूसरे पास सर्जिकल स्ट्राइक जोड़ा लोगों बुद्धू बनाने लिए जाते हैं, थोड़े तो सामने आ, कोई बड़ा समा तो निकलिया नहीं हजे, तकरीबन आ पिछले जदों दूसरी बार इलैक्शन हुई आ हजे तकरीबन 4.5 साल का जो ज़्यादा नहीं तो 4.5 साल का समा जोड़ा ये निकलिया, जिदे विच तुसीं आ देख ही लिया होना किस हिसाब नाल इन्हां ने ब्यौंतबंदी बना के जिहड़ा वो अपने बहुमत दे नाल इलैक्शन जित्तिया, तो बीजेपी ने फिर दुबारा सत्ता संभाली, तो हुण इलैक्शन फिर दुबारा आ रहे हैं, हुण ये नहीं पता कि हुण बारी किहदी आ, किद्दां नंबर किद्दर नूं ला देना ये कोई पता नहीं, इसलिए सरकारां की कर रही कि ब्यौंतबंदी किहड़ी चाल दे नाल अगला अपना जिहड़ा संकल्प इन्हां ने पूरा करना आ, क्योंकि आप वोट लैण दे लई वोट खिंचण दे लई कुछ ना कुछ करना पैना, पर उहदे विच जाना किहनां दीआं जांदीआं ने, जे 47 दे विच वंड होई तां जाना किहनां लोकां दीआं गईआं, एक आम परिवारां दीआं गईआं जाना, जिहड़े एक दूजे दे साह दे विच साह सी, एक दूजे दे दुख सुख दे साथी सन, उही एक दूजे दे वैरी बन गए। ते अज जो हालात भारत में हो रहे हैं, मणिपुर की घटना को लैके तुम देख लो, पूरी दुनिया के जी इस घटना देखद हो हर एक लीडर का बयान आया, बराक ओबामे का बयान आया, उत्ते पत्रकार सवाल कर रहे हैं, पत्रकारों के सवालों के जवाब देने इन कोई ढुकमें जवाब नहीं, पर अज हो सकता यह इलैक्शन लैके मणिपुर वर्गियां घटनावां बहुत थावां उत्ते वापर सकदियां ने, क्योंकि अज हर एक न्यूज़ चैनल इस चीज़ की गल कर रहा, प्रधानमंत्री 2 घंटे पार्लीमेंट के बोलते हैं पर मणिपुर उत्ते एक भी लफ्ज़ नहीं, क्यों, वह भी तो भारत के लोग ने, उन्हां दी रक्षा करना किहदा फर्ज बनता, वीडियो वायरल हुंदियां ने उत्थे दीआं लड़कियां नाल
सुरक्षा अधिकारियों वालों शरेआम छेड़खानी की जा रही है। मार्केट के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए ने, हुण मैं तुहानूं इस वीडियो नूं दिखा नहीं सकता स्क्रीन दे उत्ते कि जिद्दां वर्दी दे विच फौज की वर्दी दे विच ओह जिहड़ियां अंदर उत्थे औरतां काम कर रही ने, कुड़ियां काम कर रही ने, उन्हां नाल शरेआम जिहड़ी ओह छेड़खानी की जा रही है। तो उन्हां नूं रोकण वाला कोई नहीं। अज मणिपुर पूरी दुनिया के जिदा हाईलाइट होया, हाईलाइट कोई चंगे काम करके नहीं होया, पूरी दुनिया के हाईलाइट मणिपुर होया क्योंकि उत्थे घट गिणती वालों के नाल धक्केशाही की गई। सरकारां जो भी काम कर दियां ने तुहाडे सामने आ, ते अज भाईचारक सांझ जो असी देखते हैं वह असी सीखते हैं, जो साढ़े बच्चे देखते हैं वह सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चों असी इहोजियां फिल्मां लैके जरूर दिखाउण जांदे आ, पर साझीवालता का संदेश कहना चीज़ों उत्ते सानू मिलता, असी उन्हां वल कदी गौर नहीं की, उन्हां वल कदी ख्याल नहीं किया। अज लोड़िया आपस में नफरत की भावना खत्म करके एक साझीवालता का प्रतीक एक दुनिया नू बन के दसीए कि जे भारत पाकिस्तान पहला कट्ठे सी ते हुण कट्ठे क्यों नहीं हो सकते, क्यों नफरत आ, कि असी एक दूजे नाल वंडना की आ, क्यों साढ़े दिलों के इन्नी एक दूजे के प्रति नफरत आ। 15 अगस्त 1947 असी तो एक दूजे की जान के दुश्मन बन गए, पहला प्यार सी पर असी इस दिन एक दूजे की जान दे नफरत दे विच इहोजी बदली एक दूजे की जान दियां धीआं भैणां की राखी करन वाले एक दूजे दियां धीआं भैणां की इज्जत लुट्टां ते अज इस दिन उत्ते करवट आ गया, समय ने बदलाव लिया ते अज असी इस लैवल तक गिर गए जिन्हां नूं असी अपनियां धीआं ते भैणां समझदे सी, अज उन्हां दी राखी करन दी बजाए अज असी उन्हां दियां इज्जत लुट्टण दे उत्ते तुल गए हाँ। गल सोचण वाली आ, रोंगटे खड़े हुंदे ने खून खौलदा उस सीन नूं याद करके कि जदों भरियां होईयां रेल गड्डियां पूरियां दियां पूरियां उस समय दे विच जिहड़ियां दर्दनाक कतल होए उन्हां उस समय दे विच, उस वेले जिहड़े लीडर सन उह तां सुरक्षित थावां ते अपने आप पहुँच गए जां पहुँचा दित्ते गए, पुलिस दी सुरक्षा दे नाल पहुँचा दित्ते गए, पर इहदे विच पिसिया कौन, आम लोग जिहड़े एक दूजे दियां धीआं दी राखी करदे सन ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।